स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम विंडोज 8 को हमारे सिस्टम से कैसे हटा सकते हैं। हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम से अगर विंडोज 8 को हटाना चाहें और उसे हटा के अगर विंडोज 7 को इंस्टॉल करना चाहें तो ये प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं, इस प्रोसेस के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप अपना कंप्यूटर सिस्टम फॉर्मेट करना चाहते हैं, अगर आप अपना लैपटॉप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं उसकी प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आप अपने सिस्टम को अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम की ड्राइव्स को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम की ड्राइव्स को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, उन्हें फिर से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विंडोज 7 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में विंडोज 8 है तो विंडोज 8 को अनइंस्टॉल करना और सिस्टम को फॉर्मेट करना और विंडोज 7 को इंस्टॉल करना, ये सारी चीजें मैं आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। अब आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लैपटॉप है इसके अंदर विंडोज 8 इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मैं इस लैपटॉप के अंदर विंडोज 8 को हटा के विंडोज 7 इंस्टॉल करने वाला हूँ और विंडोज 7 इंस्टॉल करने के लिए मुझे 8 को पूरी तरीके से रिमूव करना पड़ेगा। तो मुझे इसको फुल फॉर्मेट करना पड़ेगा। फुल फॉर्मेट का मतलब होता है कि आप अपने हार्ड डिस्क के सारे पार्टीशंस को डिलीट करके वापस से पूरे जो हार्ड डिस्क के पार्टीशंस है वो बनाएंगे अकॉर्डिंग टू विंडोज 7। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि विंडोज 8 हायर वर्जन है और विंडोज 7 लोअर वर्जन। जब भी आप हायर वर्जन से लो वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाते हैं तो आपको उसका पूरा सेटअप को पहले डिलीट करना पड़ता है और फिर उसको वापस से क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप विंडोज 8 से विंडोज 10 में जाना चाहते हैं, लोअर टू हायर जाना चाहते हैं, तो आप सीधे सी ड्राइव को फॉर्मेट करके ये चीज कर सकते हैं। बट जब आप हायर से लोअर वर्जन में आते हैं तो आपको सारे पार्टीशंस को डिलीट करके, उसके पूरे बूट सेक्टर्स को डिलीट करके पूरा सिस्टम आपको खाली करना पड़ता है। आपको अपने पूरे हार्ड डिस्क को एक रॉ हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करना पड़ता है और स्टार्टिंग से बिगनिंग लेवल से आपको अपने हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशंस क्रिएट करने पड़ते हैं और विंडोज 7 को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विंडोज 8 से 7 पे आ रहा हूँ। सेम अगर विंडोज 10 से आप 7 पे आएंगे तब भी आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हायर टू लोअर आने के लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लोअर से हायर आप डायरेक्टली जा सकते हैं सी ड्राइव को फॉर्मेट करके। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि मैं इस पूरे सिस्टम को कैसे फॉर्मेट कर रहा हूँ। इसे फॉर्मेट करने से पहले मैंने इसको पूरा एम्प्टी कर दिया है। इसका जो भी डाटा था वो मैंने बैकअप बना के रख लिया है और इसको फॉर्मेट करने के बाद में वो डाटा वापस से इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसे फॉर्मेट करने जा रहा हूँ। मैं इसे एक बार शट डाउन करूंगा और शट डाउन करने के बाद मैं इसे वापस से बूट करूंगा। बूट करने से पहले मैं इसके बायोस की सेटिंग में जाऊंगा और बूट की जो सेटिंग है उसे चेंज कर दूंगा। पेन ड्राइव के थ्रू इसे फॉर्मेट कर रहा हूँ। मैंने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया हुआ है और पेन ड्राइव के थ्रू मैं इसे फॉर्मेट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसे शट डाउन करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये शट डाउन हो गया है। अब मैं इसे वापस से स्टार्ट करूंगा। हर सिस्टम के अंदर बायोस के सेटिंग्स अलग अलग होती है, तो मैं इस सिस्टम को F2 प्रेस करके इसके बायोस की सेटिंग में जाऊंगा और पेन ड्राइव के थ्रू मैं इसे बूट पे स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बायोस की सेटिंग में आ गया है। अब मैं इसके बायोस की सेटिंग में जाके इसे चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ये बूट ऑप्शन के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बूट ऑप्शन के अंदर आ गया हूँ। बूट ऑप्शन के अंदर आके मैंने ये जो USB ड्राइव है मेरी, ठीक है, इस ड्राइव को मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा। ठीक है, ताकि ये पेन ड्राइव से बूट ले ले। तो पेन ड्राइव से बूट करने के लिए मुझे इसको मूव करना पड़ेगा। मैंने F6 को प्रेस करके इसे ऊपर के पोजीशन पे कर दिया है। अब मैं एग्जिट करता हूँ सारे चेंजेस को सेव करके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसने बूट लेना शुरू कर दिया है। यहां पे लिखा हुआ आ रहा है विंडोज लोडिंग फाइल्स। देखिए यहाँ पे विंडोज 7 का जो बूट लोडर है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये आ गया है विंडोज 7 इंग्लिश और ये सब सेटिंग्स को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ गई है। अब मुझे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, तो मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी नेक्स्ट स्क्रीन आ गई है। ठीक है,
अब इस सिस्टम में मैं विंडोज 7 अल्टीमेट 64 बिट का आर्किटेक्चर वाला इंस्टॉल करूंगा। यहाँ पे x86 और x64 आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं x64 जो कि 64 बिट का आर्किटेक्चर है उसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे 64 के ऊपर क्लिक करा और मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है। ठीक है, इसको करने के बाद मुझे कस्टम के ऊपर क्लिक करना है, मैंने यहाँ पे कस्टम के ऊपर क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरे सारे पार्टीशन आ गए हैं। अब मुझे इन सारे पार्टीशन को डिलीट करना है और वापस से इन्हें क्रिएट करना है। ठीक है, तो इन्हें डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा ड्राइवर ऑप्शंस। ठीक है, ड्राइवर ऑप्शंस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक एक करके ये सारे जो पार्टीशंस हैं उन्हें डिलीट करना है। जैसे मैंने ये एक पार्टीशन डिलीट कर दिया, आप देख सकते हैं ये पार्टीशन डिलीट हो गया। ठीक है, अब मुझे नीचे आना है, नेक्स्ट पार्टीशन को डिलीट करना है। मुझे इसे डिलीट करना है। ठीक है, मुझे ध्यान रखना है कि मुझे हर पार्टीशन को डिलीट करना है और इसे भी मैंने डिलीट कर दिया है। जैसे जैसे मैं एक पार्टीशन को डिलीट करता जाऊंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी हार्ड डिस्क जो है वो एक सिंगल पार्ट में आ जाएगी। ठीक है, देखिए वहां पे जो हार्ड डिस्क की स्पेस है वो कलेक्ट होती जा रही है, एक सिंगल पार्ट जो है वो बनता जा रहा है। ठीक है, जैसे ही आप देखेंगे मैं इस पार्टीशन को डिलीट करूंगा। ठीक है, देखिए ये भी डिलीट हो गया। मुझे ऐसे सारे पार्टीशंस को एक एक करके डिलीट कर देना है। ठीक है, लास्ट पार्टीशन बचा हुआ है जिसे मुझे डिलीट करना है, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पार्टीशंस को डिलीट कर दिया है और यहाँ पे मेरा आ गया अनअलोकेटेड स्पेस। ठीक है, अनअलोकेटेड स्पेस का मतलब होता है ये हार्ड डिस्क पूरी एक सिंगल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर नए पार्टीशंस बना सकता हूँ और विंडोज 7 को इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, नए विंडोज 7 को मेरे सिस्टम के अंदर मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यू के ऊपर क्लिक करा। न्यू के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरे हार्ड डिस्क का साइज आ जाएगा। मैं यहाँ पे इस हार्ड डिस्क के साइज को थोड़ा कम करके एक पहला पार्टीशन मेरा क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करा और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा जो कि हमारा प्राइमरी पार्टीशन होता है, सी ड्राइव जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ में कुछ सिस्टम रिजर्व स्पेस भी क्रिएट होती है जो कि यहाँ पे क्रिएट हो गई है। मेरा 172 GB का जो प्राइमरी पार्टीशन है जो सी ड्राइव है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ पार्टीशन है मैं इसमें से मेरे नए ड्राइव क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और पार्टीशन क्रिएट कर लिया है जो कि मेरा डी ड्राइव कहलाएगा और उसके बाद जो बचा हुआ पार्टीशन है वो मेरा सी ड्राइव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बचा हुआ पार्टीशन है इसे भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ पार्टीशन है इसे भी मैंने क्रिएट कर लिया है। अब जो ये पूरी प्रोसेस है ये अपने आप वर्क करती रहेगी। मुझे जो सबसे पहला पार्टीशन है 172 GB का उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करना है। मैं विंडोज इंस्टॉलेशन की प्रोसेस यहाँ पे अब स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी और इसके बाद जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जहां पे कुछ भी नई चीज होगी मैं आपको बताऊंगा। और अब जो आगे आप वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं वो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है जो कि थोड़ा स्पीड अप करके मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपका जो टाइम है वो ज्यादा खराब ना हो। तो ये मेरे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है।
तो दोस्तों ये अभी अपने आप रीस्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो स्टेप्स वहाँ पे लिख के आ रही थी वो कंप्लीट हुई है और ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मेट की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, अभी आगे की प्रोसेस स्टार्ट हुई है। फॉर्मेट होने के बाद की प्रोसेस, जब फाइनलाइजेशन होता है सिस्टम का फॉर्मेट होने के बाद, तो वो प्रोसेस स्टार्ट अब हो चुकी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स। तो अभी ये छोटी मोटी सेटिंग्स जो ऑटोमेटिकली विंडोज करता है आफ्टर द फॉर्मेटिंग वो चल रही है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्री सेटिंग्स अपडेट हो गई है, अभी आगे की प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है। तो विंडोज ने इंस्टॉलेशन की आगे की प्रोसेस करना शुरू कर दी है, ठीक है। चार जो स्टेप थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सिस्टम फॉर्मेट हो गया है, अब ये जो फाइनल स्टेप चल रही है विंडोज के इंस्टॉलेशन की, ठीक है। इसमें ये कुछ बेसिक चीजों को सेटअप करता है विंडोज। इस प्रोसेस में विंडोज कुछ बेसिक चीजों को सेटअप करता है, जैसे स्क्रीन का साइज हो गया और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स जो कि आपके सिस्टम को चलने में मदद करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये विंडोज 7 यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब मुझे इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट करनी है, और उन बेसिक सेटिंग्स को करने के बाद मेरा जो लैपटॉप है वो रेडी टू यूज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे इस लैपटॉप के अंदर इस विंडोज से रिलेटेड ड्राइवर इंस्टॉल करने का लास्ट टास्क करना रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पीसी का जो नाम है वो मैंने रख दिया है। अब मुझे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं पासवर्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ। मैंने पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ दिया है। पासवर्ड के बाद यहाँ पे ये प्रोडक्ट की डालने को बोल रहा है। अगर आपका विंडोज जो है वो आपने जेन्युइन बाय करा है, अगर आपने अपने विंडोज को किसी पर्सन से बाय करा है, किसी शॉप से बाय करा है या किसी वेबसाइट के थ्रू बाय करा है, ठीक है, आपने विंडोज को कहीं से भी परचेस कराया, तो विंडोज के साथ में एक की आती है, ठीक है, प्रोडक्ट की आती है। अगर वो प्रोडक्ट की आपके पास नहीं है, इसका मतलब आपका जो विंडोज है वो जेन्युइन नहीं है। मैंने अभी जो विंडोज यूज करा है उसकी प्रोडक्ट की मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये जो विंडोज है ये प्री एक्टिवेटेड विंडोज यूज करा है, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है इसे मैं अनटिक कर देता हूँ और मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे इस पेज पे मैं आस्क मी लेटर के ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया है, यहाँ सिस्टम का जो बायोस सेटिंग है वो प्रॉपर है, तो डेट और टाइम आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली नेक्स्ट करना है। उसके पहले बस आपको ये समझ लेना है कि आपकी जो क्लॉक हो वो प्रॉपर हो, तो आपको जो टाइमिंग है वो प्रॉपर मिलने चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये वाला टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट करना है। अब जो विंडोज है वो फाइनलाइज कर रहा है सेटिंग्स को, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये स्क्रीन आ गई और विंडोज सेटिंग्स को फाइनलाइज कर रहा है, क्योंकि ये जो मेरा विंडोज है ये प्री एक्टिवेटेड है, तो ये देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर रहा है बिना प्रोडक्ट की के। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है वो इंस्टॉल हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये वेलकम स्क्रीन आ गई है विंडोज की, जो विंडोज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है इस कंप्यूटर में, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिख के आ रहा है प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप स्क्रीन को ये प्रिपेयर कर रहा है आपको प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है आपका जो विंडोज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और आप अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं फर्दर कोई भी काम करने के लिए। इसके बाद आप लोगों को इस सिस्टम से रिलेटेड सारे ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं ताकि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर परफॉर्मेंस दे पाए, जैसे कि चिपसेट का ड्राइवर, ग्राफिक का ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, टचपैड ड्राइवर, ये सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल कर लेनी चाहिए, जो कि मैं इस सिस्टम में भी इंस्टॉल करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये विंडोज हमारा इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे साउंड आपको सुनाई दे गया है, इसका मतलब साउंड का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो गया है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप अपनी तरफ से भी साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अगर आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर पाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम।